आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टो 800 VXI प्लस वेरिएंट के बारे में, जो सिल्वर कलर में हमारे साथ है। इस गाड़ी की बहुत सारी खास बातें हैं। सबसे पहले ए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि ए 800 cc इंजन कैपेसिटी के साथ आती है, पेट्रोल इंजन है। 1983 में इस गाड़ी के साथ मारुति की फर्स्ट लॉन्चिंग हुई थी, आज 2022 है। अभी ये गाड़ी काफ़ी शानदार तरीके से चलती आ रही है। टाइम के साथ इस गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे इसका आप लुक देख सकते हैं, इसमें लुक में काफ़ी समय के साथ बदलाव किया गया है। इसकी ग्रिल की अगर बात करता हूँ तो ये जाली ग्रिल दी गई है। इसका खासियत ये है कि इसमें एयर बहुत आसानी से पास होता है, जिसका फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी की इंजन को हीट होने से रोकती है। साथ ही इसमें बात करूँगा तो इसमें दो हाइड्रोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ ही आपको हाइड्रोजन हेडलैम्प के साथ टर्न इंडिकेटर दोनों साइड आपको दिया जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ उसमें बीच में आपको सुजुकी का क्रोम फिनिश लोगो दिया जाता है। अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल या नीचे की तरफ आपको फॉग लाइट लगाने के ऑप्शन दिए जाते हैं, जो रात के समय आपके विजिबिलिटी को और बेहतर बना सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल की बात करूँ, कुछ इस तरीके से आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है। इसमें 12 इंच के आपको स्टील व्हील देखने को मिलते हैं। साइड्स में बोनेट पे इस तरीके से आपका कुछ टर्न इंडिकेटर्स एड ऑन किए गए हैं। ये आपको ORVMs हैं, जो कि मैनुअली आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर मैं इसके डोर हैंडल्स की बात करता हूँ तो इसमें बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। अगर मैं इसका बैक लुक की अगर बात करता हूँ, काट देंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से HMSL हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिए जाते हैं। साथ ही आपको बैकलाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, जिसमें ऑलरेडी टर्न इंडिकेटर्स इंक्लूड रहते हैं। यहाँ पे आपको दो पार्किंग सेंसर्स भी दिए जाते हैं। हम इसके बूट स्पेस को आज देखते हैं। इसका बूट स्पेस आपको 177 लीटर का आता है। नॉर्मली इसमें दो ट्रॉली आपकी आ जाएगी। साथ ही इसका स्पेयर व्हील की अगर बात करते हैं तो बूट स्पेस में के नीचे आपका स्पेयर व्हील आ जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से आपका रखने के लिए स्पेस दिया गया है। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करता हूँ, आइए मैं इसके इंटीरियर को दिखाता हूँ। हम इसके इंटीरियर में आ चुके हैं। इसमें सबसे अच्छी बात समय के साथ ये की गई है कि इसमें पावर स्टीयरिंग एड ऑन कर दी गई है, जो काफ़ी आपके ड्राइविंग कंफर्ट को काफ़ी अच्छा बनाती है। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इसके एसी की, तो काफ़ी अच्छे एसी दिए गए हैं। साथ ही इस तरीके से कुछ आपका एसी का नॉब यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप एसी के कंट्रोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से आपको हीट एंड कूल का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको एयर बाहर से लेनी है, देन अंदर की हवा को अंदर की तरफ मूव करना है, तो उस तरीके से। ये गाड़ी का कुछ गियर नॉब इस तरीके से आता है, जो कि 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑल्टो 800 आती है। हैंड ब्रेक आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आप अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं तो हैंड ब्रेक लगाते हैं, तो देन आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती है। देन अगर बात करता हूँ इसके पावर विंडो की, तो यहाँ पर आपका पावर फ्रंट पावर विंडो के कंट्रोल्स मिले हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों। साथ ही इस तरीके का कुछ आपको IRVM अंदर में देखने को मिलता है, कुछ लाइटिंग्स इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। एंड यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सन प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और सूर्य से आपको प्रॉब्लम हो रही है ड्राइविंग करने में, तो देन इस तरीके से आप कुछ अपने आँखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं इसमें सेफ्टी पर्पज़ की बात करूँ, तो इसमें आपको 2 एयरबैग दिए गए हैं, एक ड्राइवर सीट्स पे और एक को ड्राइवर सीट्स पे। काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। साथ ही यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड्स का कंट्रोल्स ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे टेकोमीटर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके लाइटिंग्स की, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आप अपने लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से पेंसिल अप एंड डाउन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन अगर मैं सेकेंड रो की इसकी बात करता हूँ, तो मैं आपको सेकेंड रो में आके दिखाता हूँ। जैसा कि मैं इसके सेकंड रो में आके बैठ चुका हूं, और मैं अभी जस्ट अपने अकॉर्डिंग ड्राइविंग के अकॉर्डिंग अपने इस सीट को एडजस्ट कर चुका हूं, तो मेरी हाइट है 5.8 फीट, तो यहां पे काफ़ी एक अच्छा लेग रूम भी मिल जाता है, क्योंकि एक सीटिंग पोजीशन को काफ़ी कंफर्ट बनाने के लिए एक सफिशियंट है। साथ ही अगर हेडरेस्ट की बात करूँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैक हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं।
यहाँ सपोर्ट के लिए आपको हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे पीछे में आपको पावर विंडो ऑफ और नहीं किए जाते हैं, मैनुअली इस तरीके से आपको विंडो को के ग्लास को नीचे करना पड़ेगा, देन इसी तरीके से रोटेट करके ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। और साथ ही अगर मैं बात करता हूँ, इसमें पीछे आपको एक पार्सल ट्रे दिया गया है जहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी चीज़ों को आप रख सकते हैं। देन ए सफिशिएंट, अगर इसके माइलेज की बात करूँ तो ये आपको सिटी में ऑलमोस्ट 15-17 के अराउंड देगी, देन हाईवे पे 20-22 का माइलेज देगी। एक अच्छी एक छोटी सी कार है।